अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आप सबकी बजिया और आज मैं बना रही हूं आलू के कबाब। बहुत ज्यादा चटपटे से कबाब बना रही हूं मैं, और आप बनाएंगे देखिएगा तो आपको बहुत पसंद आएंगे। मेरे घर में तो ये सबको बहुत पसंद आते हैं। तो आलू के कबाब बनाने के लिए मैंने 3 बड़े साइज के जो है वो आलू लिए थे, उन्हें छील के बॉयल कर लिया था और फिर उन्हें ग्रेट कर लिया है। और ये थोड़ा सा हरा धनिया है, ये 3 मैंने हरी मिर्चें ली थी बारीक काट ली हैं, एक लेमन है, और ये जो है एक प्याज ली है मैंने, बड़े साइज की प्याज थी उसको काट लिया है, तो प्याज का जायका जो है अच्छा लगता है। ये मैंने 1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया लिया है, 1/2 टीस्पून हल्दी है, और 1/2 टीस्पून जो है जनाब इसमें कुटी हुई काली मिर्चें डाली हैं मैंने, 1/2 टीस्पून ही गरम मसाला लिया है क्योंकि घर का पिसा हुआ गरम मसाला है तो काफ़ी तेज़ है। ये मैंने थोड़ा सा नमक लिया है हसबे जायका, नमक और मिर्च आप अपने जो है टेस्ट के हिसाब से लीजिएगा। ये 1 टीस्पून मैंने पिसी हुई मिर्चें ली हैं, और ये 1 टीस्पून जो है मैंने चिकन पाउडर लिया है, और उसके बाद ऊपर से इसको कोट करने के लिए मैंने थोड़े से तिल लिए हैं, 1 टीस्पून जो है मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है, 1/2 टीस्पून चिकन पाउडर लिया है मैंने, और 1/2 टीस्पून ही कुटी हुई मिर्चें। फिर इन सबको हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। कॉर्नफ्लोर मैंने थोड़ा ही रखा है वरना फिर कबाबों में उसका जायका बहुत ज़्यादा महसूस होगा। चलें जनाब हम सारी चीज़ें मिलाते हैं इसमें। ये मैंने इसमें प्याज डाली है, सारे ड्राई मसाले, लेमन मेरे पास छोटा ही था, आप थोड़ा सा बड़ा लीजिएगा। अब इन सब चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से हम मसालों को के साथ मिक्स कर लेंगे। ये हमने कबाब बना लिए हैं, अब हम इसमें ये तिल कॉर्नफ्लोर लगाएंगे। और इसको तेल में डालते जाएंगे। तेल में हमारे आलू के चटपटे चटखारेदार कबाब तैयार हो गए हैं। मैं इसे निकाल रही हूँ। चलिए जनाब ये तैयार हैं। इसे शाम की चाय के साथ आप खाएं या फिर मटर चावल वगैरह बनाएं उसके साथ इस्तेमाल करें, ये आपको बहुत पसंद आएंगे। तो बनाएं अपने घर में तो जरूर मुझे बताइएगा कि आपको ये कैसे लगेगी रेसिपी। और अब अपनी बच्चियों को इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। चलिए जी, अल्लाह हाफिज़।